हेलो स्टूडेंट्स, सो टुडे वी आर टॉकिंग अबाउट सेंट्रल यूनिवर्सिटी ऑफ पंजाब, सीयू सीट पंजाब काउंसलिंग रजिस्ट्रेशन स्टार्ट टुडे। सो देख लेते हैं क्या प्रोसेस है इसका। सो स्टूडेंट्स, इट्स लास्ट डेट ऑफ ऑनलाइन एडमिशन सबमिशन अप टू 1 नवंबर 2021 8 AM IST। इसका आप स्पेशली ध्यान रखें कि सुबह 8 बजे तक ही रजिस्ट्रेशन होगा, ठीक है? क्योंकि जस्ट 9 बजे के अप्रोक्स जो है कॉलेज ओपन हो जाता है, तो 9 बजे के अप्रोक्स ओपन होने के बाद जो भी अपने मेरिट लिस्ट वगैरह है वो रिलीज करेंगे। तो सुबह 8 बजे तक आप 1 तारीख तक रजिस्ट्रेशन कर सकते हैं, क्योंकि बहुत सारे बच्चे ऐसे होते हैं जो रात तक का वेट कर रहे हो कि आज रात तक का टाइम है, आज रात तक अप्लाई करेंगे, तो उस ध्यान में ना रहे। सुबह 8 बजे तक है ये, ठीक है? इसका स्पेशली ध्यान रखें। और सेंट्रल यूनिवर्सिटी ऑफ पंजाब की जो काउंसलिंग रजिस्ट्रेशन है पीजी प्रोग्राम के लिए स्पेशली, वो स्टार्ट हो चुकी है और सेम टू सेम प्रोसीजर रखा है इसने भी। जस्ट जो भी सेंट्रल यूनिवर्सिटी ऑफ के सॉरी कर्नाटक ने जो रखा है, सेम टू सेम अप्लीकेशन फॉर्म एंड जो भी आपका सिंपल रजिस्ट्रेशन है करना है, वो जैसे आप रजिस्टर करते हैं सेम एज सेम पॉसिबल। सीयू हरियाणा ने भी यही पोर्टल अपनाया है, क्योंकि जो भी सारी डिटेल है सीयू सिटी की कैप्चर कर रखी है लोगों ने, एनटीए से कनेक्टेड ये वेबसाइट, तो ये सम्राट पोर्टल है। तो आप इस पे अपने आप को रजिस्टर कर सकते हैं, और जिन बच्चों को गारंटेड एडमिशन सर्विसेज चाहिए तो वो नीचे व्हाट्सएप पे कॉन्टेक्ट कर सकते हैं, जिसके अंदर हम आपको गारंटेड एडमिशन दिलाते हैं 1001% गारंटी के साथ, गारंटेड सीट एडमिशन दिलाते हैं। ओके, तो अब इसका देख लेते हैं क्या प्रोसेस है, क्या फीस है। ओके स्टूडेंट्स, तो चलिए शुरू करते हैं। तो स्टूडेंट्स, दिस इज एडमिशन गाइडलाइन इन 2021 एडमिशन अकॉर्डिंग टू सेंट्रल यूनिवर्सिटी ऑफ पंजाब। तो अकॉर्डिंग टू सेंट्रल यूनिवर्सिटी ऑफ पंजाब के अकॉर्डिंग आपको सीयू सीट में रजिस्टर करना है, उसके बाद एकेडमिक प्रोग्राम के हिसाब से जो भी अपना प्रोग्राम दे रखा है, और ये जो इसकी कुछ क्राइटेरिया है एडमिशन का, और अगर आपको जो भी इसका जो शॉर्ट कोर्सेज जैसे लाइक पीजी डिप्लोमा कोर्सेज सर्टिफिकेट प्रोग्राम के अंदर अगर आपको रजिस्टर करना है, तो आप यहाँ पे जाके इसकी लास्ट डेट है वो 14 नवंबर है, तो अपने आप को रजिस्टर कर सकते हैं। सही, आप न्यू रजिस्टर पे क्लिक करते हैं, आपको अपना ईमेल आईडी और मोबाइल नंबर डालना होता है। मोबाइल नंबर डालने के बाद सेंड ओटीपी पे आप क्लिक करेंगे, तो जैसे अपने रजिस्टर मोबाइल नंबर पे ओटीपी आएगा, आप यहाँ पे अपना ओटीपी सबमिट करेंगे, देन आपका जो रजिस्ट्रेशन प्रोसेस ऐसे आप स्टार्ट कर सकते हैं। कुछ ये थी कुछ छोटी सी इंफॉर्मेशन रिगार्डिंग सेंट्रल यूनिवर्सिटी ऑफ पंजाब के। और वैसे जस्ट लाइक उतनी हाई डिमांड पे बच्चे इस कॉलेज में जाते नहीं है, क्योंकि ऑलमोस्ट पंजाब के अंदर जो सारे के सारे बच्चे हैं वो यार इंटरनेशनल और स्विच कर रहे हैं, क्योंकि पंजाब के अंदर ऑलमोस्ट सारा अकोमोडेट जो एजुकेशन सिस्टम है वो सारा हिला हुआ है। तो जो भी है मतलब यहाँ की इधर मतलब बच्चों की ज्यादा बहुत कम रुचि होती है। ओके, अकॉर्डिंग टू अगर वैसे देखा जाए सेंट्रल यूनिवर्सिटी ऑफ राजस्थान, हरियाणा, झारखंड, जम्मू, उधर की ओर बच्चे ज्यादा प्रेफर करते हैं दिल्ली साइड, तो यार यहाँ का कट ऑफ भी थोड़ा कम रहता है। तो जस अगर आपको इंटरेस्ट हो तो आप अप्लाई कर सकते हैं, क्योंकि कुछ बच्चे जैसे जस लाइक पंजाबी लैंग्वेज का भी थोड़ा प्रॉब्लम रहता है, क्योंकि दिल्ली इधर राजस्थान इधर जस लाइक हिंदी लैंग्वेज सिंपल चलता है, तो इधर जस ज्यादा कंफर्टेबल नहीं रहते बच्चे। तो जस अगर किसी का इंटरेस्ट हो तो अप्लाई कर सकता है, और आसानी से मिल जाता है। वैसे यहाँ पे ज्यादा यूजी कोर्सेज तो अवेलेबल है नहीं, पीजी कोर्सेज है, तो इफ यू आर इंटरेस्टेड देन यू कैन रजिस्टर नाउ। और वैसे सेंट्रल यूनिवर्सिटी है तो वैसा भी नहीं है, क्योंकि बहुत बहुत ही ज्यादा ट्रैफिक है इंडिया के अंदर, तो सीट्स वैकेंट नहीं रहती यार, अगर वैकेंट भी रहती है तो भर जाती है वो स्पोर्ट राउंड वगैरह में। तो लेकिन हाँ मतलब कट ऑफ जो है राजस्थान और जो से कम रहता है, ठीक है? समझ रहे हो? ओके बच्चों, थैंक यू सो मच यार, प्लीज सब्सक्राइब द चैनल, लाइक द वीडियो, थैंक यू सो मच, बाय बाय।